नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशा इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर महाराष्ट्र में मीडिया ने एक सर्कस के तौर पर रोल अदा किया, हालांकि अभी 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 की खबर है कि रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद और उसके साथ जो है कई तरीके से मेडिकल रिपोर्ट उसकी जाँच की जाएगी और तमाम पहलू पर काम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने अपना सर्कस का रोल निभाया और उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में गिद्ध पत्रकारिता देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं एक हद तक सोचने पे मजबूर करती है। हालांकि इसी मुद्दे पर बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ प्रज्ञा नागवंशी, जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से पूर्व महासचिव रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ चुकी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम। जब आप ये सारी चीज, मीडिया का सर्कस, पत्रकारिता देखते हैं, तो आपके मन में कैसा ख्याल आता है कि क्या नहीं लगता आपको एक तरफ जो है मतलब जीडीपी, बेरोजगारी इतनी चरम पे है और उसके बाद जो है लगातार इस तरीके से सुशांत को लेकर कवरेज करती है, कैसे देखते हैं आप? जी, ये जो लगातार जो मीडिया जो हमें दिखा रही है, जो वाइडर रेंज पे जो है आज तक या फिर जैसे भी इतने सारे जो न्यूज चैनल्स है, उसमें हमें लगातार सुशांत सिंह ने जो आत्महत्या की या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो चीजें दिखाई जा रही है लगातार। ये बहुत दिनों से दिखाई जा रही है और जो मेन मुद्दे जो है हमारे हमारे विद्यार्थियों से रिलेटेड या नौकरियों से रिलेटेड या बेरोजगारी से रिलेटेड, ये सब चीजों को जो न्यूज चैनल्स है वो अवॉइड करके इस चीज को दिखा रही है। जो आत्महत्या की अगर बात करें तो भारत में हर दिन आत्महत्या होती है और उसके पीछे बहुत सारी चीजें भी होती है, लेकिन उन चीजों को नहीं दिखाया जाता। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को दिखाया जा रहा है कि उसकी हत्या ऐसे हुई, वैसे हुई, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई जा रही है। तो जो मेन मुद्दे जो है हमारे, वो ये है कि एक तो बहुत सारे लोग अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, आपका बैंकों का भी, अभी एसबीआई का भी कुछ कल रात को ही मैंने देखा एक न्यूज चैनल पे, तो उसमें भी ये बताया जा रहा था कि बैंकों का भी निजीकरण जो है वो होने वाला है। आपका 50 से 55 की उम्र पे रिटायर हो जाने का एक प्रावधान निकला हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी महामारी चल रही है, कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें लोग परेशान हैं, अपने घर में हैं, डिप्रेशन है, डिप्रेस्ड है, बच्चे भी डिप्रेस्ड है क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के एग्जाम होने बचे हुए हैं। तो ये सारे मुद्दों को हमारा जो मीडिया है वो ठीक से दिखाता नहीं है। जो हमारे देश की जो समस्या है वो चीज वो नहीं दिखाता है, बल्कि वो एक पर्सनल एक किसी व्यक्ति को पकड़ के उसके बारे में इतना सारा न्यूज चलाता है कि वो सही जो मुद्दे हैं हमारे देश के वो चीज वो नहीं दिखाता है। तो अभी रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, या जो भी व्यक्ति हो, या कंगना रनावत हो, जो भी व्यक्ति हो, वो सबके बारे में दिखाया जा रहा है। तो लेकिन जो हमारा जो आम युवाओं की जो समस्या है, आम जनता की जो समस्या है, और हमारी सरकार जो है वो आम जनता के लिए बनी है, ना कि किसी सेलिब्रिटी के लिए बनी है। तो उसमें कंगना ने फिर वो किया, रिट्वीट किया या उसने अपना स्टेटमेंट दिया, तो हम इन चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि हम जो है सही चीजों को ना ठीक से देख पा रहे हैं। और क्योंकि ये लोग बहुत फेमस है, सेलिब्रिटीज है, तो आम जनता जो है वो इनसे ज्यादा जुड़ती है, ना कि इन सब चीजों को वो अवॉइड कर देती है। अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स थे तो लोग फेस्टिवल्स पे ध्यान था, लेकिन उनका इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, या बच्चों की कोई समस्या है, या रेलवे का निजीकरण हो रहा है, उस पर वो मौन है, बिल्कुल चुप है, बिल्कुल शांत है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि कंगना रनावत के सहारे देश के असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सही बात है कि उनके उनको हाईलाइट करके जो मेन मुद्दे हैं उसको हाईलाइट किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक जो सही चीजें जो है हमारा
जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उस ट्रैक से हमें बार बार उतार दिया जाता है कि इतने बड़े इतने अजीब अजीब से मुद्दे ले आते हैं कि हम जो सही जो दिशा में जा रहे होते हैं वहां से हम भटक जाते हैं। अच्छा तो क्या लगता है आपको इसमें जिस तरीके से मीडिया कवरेज कर रही है इसमें क्या लगता है आपको टीआरपी ज्यादा बटोरा जा रहा है या राजनीति? अब टीआरपी तो वैसे भी बढ़ती ही है, अगर किसी एक मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है तो टीआरपी तो बढ़ना ही है। और दूसरी बात रही पॉलिटिक्स की, तो अगर राजनीति की बात करें तो देश में तो आज राजनीति ही चल रही है और बहुत बड़े अमाउंट पे चल रही है। अभी जैसे कि आपने मैं अभी आपको कल का न्यूज बता रही हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ, बीएड की छात्रा हूँ मैं, तो उसमें आया था कि 15 दिन के भीतर एग्जाम जो लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो आदेश के बाद, सरकार के आदेश के बाद, जो भी है जो बड़े व्यक्ति है उनके आदेश के बाद वो चीज को किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, बहुत मतलब करीबन 10-15 दिन हो चुके हैं, हमारे डिटेल्स लिए हुए, हमें फॉर्म भरे हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये सारी चीजें हैं जो कि मीडिया वो चीजों को नहीं दिखा रही है कि बच्चे जो है परेशान है। अभी जेईई मेंस का भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बच्चे कितने परेशान थे। मेरी खुद की एक बहन जैसी फ्रेंड है, उसको मैंने अपने पास रखा हुआ था कि तुम हो सकता है तुम अपने घर में नहीं पढ़वा रही हो तो मेरे पास पढ़ो। तो जब वो 4 तारीख को एग्जाम देने गई तो उसने बताया कि दीदी वहां पर बहुत कम लोग आए थे, मतलब पूरे हॉल में सिर्फ 6 बच्चों ने एग्जाम दिया है। वो जहां पे गई हुई थी जिस कॉलेज में उसका हुआ था उस कॉलेज में मात्र 6 बच्चों ने एग्जाम दिया और बाकी बच्चों का टेम्परेचर चेक किया गया कि इसको बुखार तो नहीं है तो उसको बाहर निकाल दिया गया। कि हो सकता है कि मतलब कुछ शंकाजनक के कारण उनको बाहर निकाल दिया गया। तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। इन सब चीजों को भी ठीक से मीडिया जो है वो नहीं दिखा रही है। बहुत सारी समस्या है, बच्चों कई लोगों ने ट्रेंड चलाया था ट्विटर पे कि हम एग्जाम नहीं देना चाहते, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, वो नहीं देना चाहते एग्जाम, बिल्कुल भी रेडी नहीं है, ना तो उनका मेंटल प्रिपरेशन है ठीक से, ना ही फिजिकल प्रिपरेशन है, वो जाना भी नहीं चाहते। बस की सुविधा भी चालू कर दी गई लेकिन बस में भी बच्चे नहीं गए वहां तक, बहुत ही कम बच्चों ने जाके वहां पे एग्जाम को अटेम्प्ट किया हुआ है। बहुत सारी ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार जो है वो हाइड कर देती है, सरकार नहीं मीन्स यहाँ की मीडिया जो है वो हाइड कर देती है जो मेन मुद्दे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मीडिया का अभी कवरेज देखने को मिल रहा है लगातार जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तो ये हमें कहने में कहीं भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि एक जो है एजेंडा सेट किया हुआ है और उस हिसाब से जो है मीडिया जो है खबर परोस रही है। इसी को लेकर कई ऐसे सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से छात्रों का जो प्रदर्शन रहा है, इससे पहले आपने जिक्र किया बातचीत के दौरान कि छात्रों का जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं एक मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा दबाव था, लेकिन फिर भी ये कोरोना वैश्विक महामारी में एग्जाम करवाने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ी बीजेपी सरकार ने। तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक दूसरी तरफ जो है जीडीपी जो है 40 साल के बराबर हो चुका है, यानी माइनस 23 हो चुका है वो, और उसके बाद जो है फिर भी इस तरीके से मीडिया को अगर बात करनी चाहिए तो बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, हेल्थ व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, अस्पताल में कितने बेड लगे हैं इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो क्या रहा है? तो इससे क्या लगता है आपको कि सुशांत सिंह राजपूत को जो दिखाया जा रहा है ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ है या कंगना रनौत का राजनीति है? देखिए इस विषय पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन रही बात आपकी शिक्षा स्वास्थ्य और मौजूदा सरकार की जो बात है उस पर मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हर कोई तो उन पे बात कर ही रहा है, अगर हम भी उन्हीं पे बात करेंगे तो फिर डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो अगर स्वास्थ्य की बात रही तो स्वास्थ्य पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि अभी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मैं जहां रहती हूँ उसकी जस्ट एक घर छोड़ के बाजू वाले घर में 9 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है आज हमारे देश की, और आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिविटी फैल चुकी है।
तो उनको चाहिए कि वो इस पे काम करे, ना कि वो इलेक्शन लड़े, ना कि वो बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करे, ना कि वो दूसरे प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दे, या फिर ये सारी चीजों से हट के उन्हें सिर्फ स्वास्थ्य पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर आपका एग्जाम और आपका राजनीति और आपका ये सारा चीज किस काम का है। इवन दो अभी हमारे बड़ी दीदी जो है वो टीचर है, उनको सर्वे के लिए भेजा जा रहा है कि आप जाइए इस टाइप की जांच करिए कि किसी के घर में कोई खास तो नहीं रहा है, कोई छींक तो नहीं रहा है, किसी को सर्दी तो नहीं है। तो वो शिक्षिका है, लेकिन उनको किस पे भेज दिया जा रहा है, कैंपेन पे जाओ, वहां पे जाके सर्वे करो। तो वो ये मतलब क्या चल रहा है, कौन करवा रहा है ये? तो सीधी सी बात है, सरकार के निर्देश के अनुसार ये सारी चीजें होती है। तो सरकार को चाहिए कि अभी वो जो है वो पूरी तरह से स्वास्थ्य पे ध्यान दे, ना कि बच्चों के भविष्य के साथ या बच्चों की जान के साथ खेले। अभी भी आपका कंटिन्यूअसली चल ही रहा है एग्जाम। बताऊं कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ अपील एक छात्र के नाते? मेरी सरकार से सिर्फ यही अपील है कि वो स्वास्थ्य पे ध्यान दे और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज जो है नेशनल इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, तो क्योंकि आज अगर हमारा देश अगर शिक्षित होता, अच्छा पढ़ा लिखा होता, तो बहुत सारी चीजों को वो समझ पाता कि आज ये जो हो रहा है मीडिया में जो हो रहा है, या फिर ये चीजें जो हो रही है वो क्यों हो रही है, वो कैसे हो रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ प्रज्ञा नागवंशी थी, जो सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मीडिया आजकल समाज में खबर परोस रही है, वो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक शिक्षा व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, वो चीजें दिखानी चाहिए, और उसके बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है उस पर बात करनी चाहिए, ना कि एक इंसान को मतलब इतना पॉपुलर बनाना और उसके बाद उस पर चर्चा करना, ये कहीं ना कहीं एक इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण किया। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।